वेलकम बैक गाइस। हमारे साथ मौजूद है हैदराबादी पुलाव के ऑनर, तो इनसे मुलाकात करते हैं और आपको बताते हैं इनका प्रॉपर एड्रेस और सारी चीजें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका प्यारा? अयाज अहमद। अयाज भाई, आप जो इतना यूनिक पुलाव सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे बेच रहे हैं, मतलब इस तरह का यहाँ पे और कोई पुलाव मिलता नहीं है, क्योंकि मैं भी इस एरिया बस में ये हमने कुछ यूनिक रेसिपी ये कि इसमें जो है ना हमारे पास रवाज वाला और टाटी वाला गोश्त भी हम इस्तेमाल करते हैं, इससे अच्छा टेस्ट आता है, लोग इसको लाइक करते हैं। ये हमने स्टार्ट किया, हमें 5 साल हो गए हैं यहाँ पे। मैं देख रहा था अभी जुम्मे का दिन था, इस वजह से रश हो रहा था या नॉर्मली इतना ही रश रहता है? जुम्मे वाले दिन ज्यादा रश होता है, एंड में थोड़ा नॉर्मली होता है काम। अच्छा, मुझे बताया दिन के कितने पतीले निकल जाते हैं आप? हम 2 पतीले बेचते हैं। 2 पतीले तो अभी मेरे सामने खत्म हो गए, तो बस हम इतना ही काम करते हैं और चले जाते हैं। 4 घंटे के लिए आते हैं, 3 घंटे 4 घंटे के लिए आते हैं। 3-4 घंटे में ये 2 पतीले बेच के और चले भी जाते हैं। अच्छा, हमारे नाजरीन को प्रॉपर एड्रेस थोड़ा गाइड करा इस जगह का। प्रॉपर ये काला पुल से सीएसडी की गली के अंदर आप आएंगे, सीधे आएंगे आप उल्टे हाथ पे जो है ना ये हमारा दुकान है, मतलब जहाँ जैसे ही गली एंड होगी और जो है ना दुकान आ जाएंगे। अच्छा, आप मुझे बताएं आपका ताल्लुक हैदराबाद से है या? हमारा ताल्लुक कराची से ही है। अच्छा, ये फ्लेवर हैदराबाद का, इसलिए हमने हैदराबादी ही पुलाव इसको नाम दिया है। जो जायका है वो हैदराबाद में ही होता है इस बिरयानी का, मतलब हैदराबादी पुलाव अगर आपको खाना हो तो कराची में भी अवेलेबल है। अच्छा, और थोड़ा सा रेट भी बताएं, प्राइस बताएं। रेट हमारा बहुत मुनासिब है, हम 560 रुपए किलो बीफ देते हैं, 360 रुपए किलो सादा देते हैं। ठीक है, और बीफ की क्वांटिटी भी आपने देखा कि बीफ की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है और जो पुलाव की क्वांटिटी है वो भी बहुत अच्छी है, और पुलाव भी बहुत मजे का है, लाजमी आके ट्राई कीजिए और फिर उसके बाद हमें रिव्यू दीजिए कि आपको इनका पुलाव कैसा लगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक गाइस। हमारे पास पुलाव रेडी होके आ गया है और इनका पुलाव देखने में तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और इनकी बीफ की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देखने में लग रही है, तो आपको ट्राई भी करके बता देंगे इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट अच्छा है इसका, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है इसका। पुलाव बहुत सारी किस्म के होते हैं पर इसमें जो एक हरी मिर्ची वाला प्याज पुलाव होता है ना, वो वाला टेस्ट आ रहा है इसके अंदर, और बीफ का जो टेस्ट आ रहा है ना इसके अंदर, तो उन्होंने ताज़ा बीफ डाला हुआ है, वो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो पुलाव इनका बहुत मजे का है, मैंने बिना रायते बिना प्याज के इसीलिए खाया कि एक्चुअल हमें पुलाव का टेस्ट पता चले। तो पुलाव इनका बहुत मजे का है, आप लोग भी आइएगा और ट्राई कीजिएगा, पुलाव बहुत मजे का है और इकोनॉमिकल और बहुत अच्छा पुलाव है। बैठने की जगह थोड़ी एवरेज है, जानी या पुलाव जो भी खाना हो कराची में अच्छी जगह, तो जगह ऐसी जाना पड़ता है और खा के इंजॉय करना पड़ता है। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।